हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड मैं आपका अपने चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन फॉर सीबीएसई क्लास टेन स्टूडेंट्स चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी लेके आज हम आपके सामने आए हैं और इन सारे एम के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन भी हम आपको देंगे तो इस वीडियो को देख के आप ये पूरा चैप्टर थॉरली लर्न कर सकते हैं चैप्टर टू पॉलिनामियल के सारे कॉन्सेप्ट लर्न कर सकते हैं और ड्यूरिंग एग्जाम डेज इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और फॉर सी बी एस ई क्लास टेंथ स्टूडेंट्स ऑन चैप्टर टू पॉलिनोम ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वास प्लस वन देन वन बाय अल्फा प्लस वन बाई बीटा इज और है तो आ ये रहा इसके ऑप्शंस तो आइए देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन तो इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल व्हाट इज आर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जब आप स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू होगी टू बी की वैल्यू होगी फोर और सी की वैल्यू होगी वन फिर नेक्स्ट हम सम ऑफ़ ऑफ़ सम जीरोस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ जीरोस का फार्मूला तो यहाँ पे हमारे जीरोस अल्फा और बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस फोर बाय टू मीन्स माइनस टू एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो इसका फार्मूला होता है सी बाई ए तो सी बाई ए का हम वैल्यू रख देंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी इज वन बाय टू नाओ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाय अल्फ़ा प्लस वन बाय बीटा तो आप एलसीएम ले लीजिए अल्फा बीटा का तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस टू अपऑन अल्फ़ा बीटा इज वन बाय टू तो बेसिकली हो जाएगा माइनस फोर तो माइनस फोर इज अर आंसर तो सी को आप टिक कर दीजिए

इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनॉमल से ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड पॉलीनॉमिल जब आप स्टैंडर्ड पॉलिनॉमल से कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी तो आपका ए हो जाएगा वन बी हो जाएगा फाइव और सी हो जाएगा के आपको एक ज़ीरो गिवन है तो वन जीरो लेट इट बी अल्फ़ा दैट इज थ्री इज गिवन टू यू तो आप इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से और इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस फाइव अल्फा इज़ ऑल्सो नोन टू यू तो थ्री प्लस बीटा इज माइनस फाइव तो आप बेसिकली बीटा निकाल सकते माइनस एट बीटा इज माइनस एट देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम डिनोट करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए और अल्फा इज नोन टू मी दैट इज थ्री एंड बीटा इज माइनस एट दैट इज इक्वल टू सी सी इज के एंड ए इज वन तो के की वैल्यू आ गई आपकी के इज माइनस ट्वेंटी फोर ये सी इज योर आंसर सी को टिक कर दीजिए एंड लेट एस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री वन जीरो ऑफ द पीनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के और ये रहे चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे तो देखिए जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स दैट इज के स्क्वायर प्लस नाइन टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस सिक्स के प्लस सिक्स के इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल तो वॉट इज आर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपका ए आ जाएगा के स्क्वायर प्लस नाइन बी की वैल्यू आएगी थर्टीन एंड सी की वैल्यू आएगी सिक्स के नाउ लेट ज़ीरोज़ बी इसमें ज़ीरोज़ आप कॉशियसली लीजिएगा यदि एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा ज़ीरो वन बाई अल्फ़ा होगा सो देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फा इंटू वन बाई अल्फा शुड बी इक्वल टू सी बाय ए तो दिस इज़ वन एंड सी की जो वैल्यू है दैट इज सिक्स के अपॉन के स्क्वायर प्लस नाइन अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे के स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू सिक्स के सिक्स के का भी साइड चेंज कर देंगे के स्क्वायर माइनस सिक्स के प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो फिर आप, आप इसको फैक्ट्राइज प्लीटिंग द मिडिल टर्म करके कंप्लीट स्क्वायर में लिखेंगे तो के माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज जीरो इट मींस के माइनस थ्री जीरो इट मींस के इज थ्री तो इवीजिएटली अपन थ्री ए ए इज द राइट आंसर ए को टिक कर देंगे एंड लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा आपकी स्क्रीन पे गिवन दैट सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज जीरो देन यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड जीरो और ये रहे चार ऑप्शन तो जो गिवन पॉलिनोमियल है आपका लेट पी ऑफ एक्स योर गिवन पॉलिनोमियल इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेर प्लस सी एक्स प्लस डी दिस इज आर स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनॉमियल तो इसमें हम सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला यूज करेंगे सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला दैट इज माइनस बी बाय ए सो इन दिस कंडीशन लेट माई जीरोज़ बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाय ए एज पर क्वेश्चन एज पर गिवन कंडीशन सम ऑफ टू टू जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज जीरो तो ऑब्वियसली थर्ड जो जीरो है आपका वो हो जाएगा माइनस बी बाय ए तो माइनस बी बाय ए इज़ द राइट आंसर ए को टिक कर दीजिए लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ़ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज माइनस टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के और ये रहे आपके चार ऑप्शन तो देखिये इस क्वेश्चन में आपको एक जीरो गिवन है फिर आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सबसे पहले जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है के माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इसको अपन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से विल कंपेयर विथ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल एंड दैट इज़ स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ़ यू कंपेयर तो आपकी जो ए की वैल्यू आएगी दैट इज़ के माइनस टू जो बी की वैल्यू आएगी आपकी दैट इज़ के और सी इज़ वन देन वी नो सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए तो वन जीरो इज नोन माइनस टू प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन के माइनस टू देन वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला है दैट इज़ अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए अल्फा इज नोन माइनस टू टाइम्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन के माइनस टू तो आप साइड चेंज कर दीजिए बीटा इज माइनस वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ के माइनस टू इस वैल्यू को अपन फर्स्ट इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे तो minus minus k k <coughs> फिर आप टू टाइम्स ऑफ के माइनस टू का एल्सीय ले लीजिए तो जब आप एल्सीयम लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस फोर टाइम्स ऑफ के माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ के माइनस टू तो के माइनस टू आप कैंसिल आउट कर दीजिए देन वी ओपन द ब्रैकेट ये हो जाएगा माइनस फोर के प्लस एट माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू के देन वील मेक माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस सेवन तो के की वैल्यू आ जाएगी सेवन बाय टू सेवन बाय टू सी सी को आप टिक कर दीजिए सी इज योर आंसर आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स में इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोनोमियल इज ट्वेल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो यू आर गिवन विद अ क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए क्यूबिक पॉलीनोमियल में सबसे पहले आपको कंपेयर करना होगा इसे स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से थ्री एक्स क्यूब माइनस फोर के एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स तो जब आप इसको स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से देखिए स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी तो आपकी जो ए की वैल्यू है वो थ्री आएगी बी की वैल्यू माइनस फोर के सी की वैल्यू फाइव एंड डी इज़ माइनस सिक्स तो जो समीरोज होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए दिस इज गिवन एज ट्वेल्व एंड माइनस बी इज माइनस फोर के अपॉन थ्री तो के, के वैल्यू नाइन आ जाएगी तो नाइन को आप टिक कर दीजिए एंड लेट इस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन ये आपकी स्क्रीन पे इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन और ये रहे चार ऑप्शन तो देखिए जो आपको गिवन पॉलीनोमियल है दैट इज एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायेर माइनस पी एक्स इसको एक्सपैंड कर लीजिए माइनस पी माइनस क्यू इसको अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल से तो जो हमारा स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल है दैट इज़ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपके ए की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ वन बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी माइनस क्यू आप सम ऑफ ज़ीरोज़ समीरोज़ सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होएगा दैट इज़ माइनस बी बाई ए तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज माइनस ऑफ माइनस पी बाय वन मतलब पी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आप कैलकुलेट करेंगे अल्फा बीटा दैट इज सी बाय ए एंड देट इज माइनस पी माइनस क्यू अपॉन वन नाउ हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन तो आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है माइनस पी माइनस क्यू एंड अल्फा प्लस बीटा इज पी प्लस वन तो वन माइनस क्यू बी इज ऑर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन बी को आप टिक कर दीजिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज़ आर माइनस फोर एंड फाइव इज आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका माइनस फोर प्लस फाइव टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब माइनस फोर इंटू फाइव तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए एक्सक्वायेयर माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी आप इसमें टू मल्टीप्लाई कर सकते हैं एनी नंबर एनी कॉन्स्टेंट यू कैन मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायेर माइनस टू एक्स माइनस फोर्टी तो दिस इज मैचिंग एग्जैक्टली विद द ऑप्शन सी सी इज योर राइट ऑप्शन सी को टिक कर दीजिए एंड लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए वट इज अ पोलिनोमियल पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ होल नंबर एक्स की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर की पावर टू है करेक्ट इसमें x की पावर वन है करेक्ट इसमें x की पावर जीरो है दिस इज ऑल्सो करेक्ट तो इट इज अ पॉलिनॉमियल इसमें x की पावर थ्री है करेक्ट x की पावर टू है करेक्ट इसमें x की पावर वन है करेक्ट और इसमें x की पावर जीरो है दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो इट इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल इसमें आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स इनवर्स दिस इज अ प्रॉब्लम सो इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा तो सी इज योर आंसर सी को टिक कर दीजिए एंड लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इफ

Let us compare with standard polynomial. What is that? A times of x square plus bx plus c. So, in this question, sum of zeros that is alpha plus beta is equal to minus b by a. Aapko jo root say minus 5 minus 3 is equal to minus b. b is a plus 1 upon 1. तो आप देखेंगे ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस एट प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ए और ए इज सेवन ए की वैल्यू आ जाएगी सेवन एंड प्रोडक्ट निकाल लेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो प्रोडक्ट की जो फॉर्मूला है दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए नाउ अल्फा बीटा भी ऑलरेडी नो इट इज़ माइनस फाइव माइनस थ्री एंड सी इज बी अपऑन वन तो बेसिकली बी की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टीन तो आप देखिए ए सेवन एंड बी फिफ्टीन ये आपका आंसर होगा तो बी इज राइट आंसर इसमें आप सेवन को प्लस लीजिएगा तो बी विल बी द ऑप्शन तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ विच आर द जीरोज ऑफ द गिवेन लेट अस फाइंड आउट हाउ टू फाइंड जीरोज सो टू फाइंड जीरोज आप जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो फिर आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लेट अस फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो इस फैक्टराइजेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज सम यू हैव टू कैलकुलेट एज फाइव एंड

एक्स प्लस टू आप कॉमन ले लीजिए इन टू एक्स प्लस थ्री इज जीरो सो इधर एक्स प्लस टू इज जीरो और एक्स प्लस थ्री इज ज़ीरो सो इस कंडीशन पे आपका एक्स हो जाएगा माइनस टू और इस कंडीशन पे आपका एक्स हो जाएगा माइनस थ्री तो माइनस टू एंड माइनस थ्री सी इज द राइट आंसर सी को आप टिक कर दीजिए अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये रहा आपकी स्क्रीन पे द नंबर ऑफ पॉलिनामियल हैविंग जीरो माइनस थ्री एंड सिक्स तो देखिए आप गिवन दो रूट से इन्फिनाइट पॉलिनोमियल्स फॉर्म कर सकते हैं वन पॉसिबल वन पॉसिबल पॉलिनोमियल इज वन पॉसिबल पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब माइनस थ्री प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस थ्री इंटू सिक्स सो दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस एटीन फिर आप इसमें कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके एक्सक्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एटीन एन नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फॉर्म कर सकते हैं तो राइट ऑप्शन इज डी मोर देन थ्री लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर माइनस फोर एंड थ्री इज तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरली मिस्टेक्स होती है इसमें सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है सम ऑफ जीरोज इज माइनस फोर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज थ्री तो देआर फोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग अच्छे से एक्सक्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंपॉर्टेंट फार्मूला है एग्जाम्स में आने के जनरली चांस हैं एक्सक्वायर माइनस सम लिख दीजिए आप माइनस फोर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज थ्री दिस इज एक्सक्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री दिस इज आर आंसर सो लेट इस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन गिवन दैट वन ऑफ द जीरो ऑफ़ द क्यूबिक पोलिनॉमियल इज जीरो द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज और ये रहे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे तो जो, जो गिवन पोलिनियल है पी ऑफ एक्स दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्सक्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी तो इसको आप स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कर दीजिए तो जब आप इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी नाउ सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला सम प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पोरिनियल मीन्स इफ यूर रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज सी बाई ए इफ अल्फा इज जीरो दैट मीन्स बीटा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए सी बाई ए की आप वैल्यू रख दीजिए सी बाई ए की वैल्यू हो जाएगी ए वन मतलब ए तो ए सी इज योर आंसर सी इज योर आंसर लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ ये रहा आपकी स्क्रीन पे एफ पी माइनस क्यू पी एंड पी प्लस क्यू आर जीरो पॉलिनोमियल देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू और ये रहा आपके चार ऑप्शन तो देखिए जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेर प्लस एक्स प्लस वन सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से तो so, जो जो स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तो हम इसको कंपेयर करेंगे एंड देन विल गेट ए एस वन बी एस माइनस थ्री सी एस वन एंड डी एस वन नाउ सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का हम फार्मूला लगा देंगे दैट इज माइनस बी बाई ए तो समीरोज़ का फार्मूला मतलब पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस थ्री अपॉन वन तो हो जाएगा थ्री पी इज इक्वल टू थ्री मीन्स पी इज वन एंड देन वी अप्लाई द फार्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का हम फार्मूला लगा देंगे दैट इज माइनस डी बाई ए बहुत इंपॉर्टेंट है माइनस डी अपॉन ए तो ऑल ऑफ यू लर्न दिस फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लाइक वन माइनस क्यू क्योंकि पी की वैल्यू वन है एंड वन प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन तो वन माइनस क्यू स्क्वेयर इज माइनस वन इट मीन्स क्यू स्क्वेयर इज टू तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट टू तो पी इज वन एंड क्यू इज प्लस माइनस रूट टू तो आप पी प्लस क्यू निकाल सकते हैं वन प्लस माइनस रूट टू ए इज द राइट ऑप्शन तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ़ द क्यूबिक परिनील एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस टू देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। और ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला हो जाएगा माइनस सी अपॉन वन मीन्स अल्फा बीटा गामा इज माइनस सी एंड अल्फा इज गिवन एज माइनस टू तो माइनस टू टाइम्स ऑफ बीटा गामा इज माइनस सी तो बेसिकली बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी सी बाय टू एस माइनस टू इज अ रूट दे आर फोर माइनस टू का क्यूब प्लस ए टाइम्स ऑफ माइनस टू का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ माइनस टू प्लस सी इज़ ज़ीरो तो माइनस एट प्लस फोर ए माइनस टू बी प्लस सी इज़ ज़ीरो तो आप इनको शिफ्ट कर दीजिए सी इज़ टू बी माइनस फोर ए प्लस एट एंड देन यू डिवाइड बाय टू तो सी बाय टू इज इक्वल टू बी माइनस टू ए प्लस फोर सो देर फोर बीटा गामा इज सी बाई टू विच इज़ बी माइनस टू ए प्लस फोर सी इज राइट ऑप्शन सी को टिक कर दीजिए एंड रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इफ ए रियल नंबर के इज जीरो ऑफ द जीरोल पी एक्स देन देट शुड बी इट्स वैल्यू बिकॉज इट इज जीरो जीरो की डेफिनेशन ही है पी ऑफ के इज जीरो सी इज द राइट ऑप्शन सी को टिक कर दीजिए एंड लेटस रश टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन दीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक परिनामियल आर ये आपको गिवन है तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला आप लगा दीजिए दैट इज़ माइनस बी बाई ए एंड इन दिस कंडीशन इट इज़ माइनस नाइंटी नाइन मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ टू नंबर्स इज़ नेगेटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला सी बाय ए दैट इज़ वन ट्वेंटी सेवन बाय वन मीन्स दीज आर पॉजिटिव प्रोडक्ट इज पॉजिटिव एंड सम इज़ नेगेटिव सो दे फोर अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव दिस इज पॉसिबल वेन अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव तो बी इज द राइट ऑप्शन बी को टिक कर दीजिए एंड लेट अस रस टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर फोर एंड फाइव रेस्पेक्टिवली इज और ये रहे आपके चार ऑप्शन तो देखिये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोम इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वेर माइनस सम ऑफ जीरो इन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इज फोर तो माइनस फोर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज माइनस फाइव सी इज द राइट ऑप्शन सी को टिक कर दीजिए एंड अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटियथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एत आपकी स्क्रीन पे द जीरोज ऑफ द क्वाडेटिक पॉलिटॉम एक्सक्वेर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के नॉट बी जीरो कैनॉट बोथ ये आपके चार ऑप्शन तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है सम ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस के एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू के सी बाई ए नाउ Because it is minus k and k is not 0. If k is positive, then alpha plus beta is negative and alpha beta is positive. That means alpha and beta both are negative. Both are negative. If k is negative, that means alpha plus beta is positive and alpha beta is negative. It means either one of alpha or beta is negative. So, one thing is clear alpha and beta both cannot be negative. Let us go to the next question. A is the right option. Let us go to the next question. Twenty one. If the zeros of the quadratic polynomials are equal, then if zeros are equal, so they say, what is the quadratic formula? X is minus B plus minus root over B square minus 4AC upon 2A. It means if zeros are equal, if zeros are equal, then. B square minus 4ac is 0. It means b square is equal to 4ac as b square is always positive. Therefore, ac is always positive. Ac is always positive. So, a and c have the same sign. C is the right option. ए एन सी ऑफ द सेम से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेकंड इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल सज दैट अल्फा माइनस बीटा इज वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी और ये रहे आपके चार ऑप्शन तो देखिये जो गिवन पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस पी और इसको आप स्टैंडर्ड पॉलीनॉमियल से कंपेयर कर सकते हैं लेटस कंपेयर विद स्टैंडर्ड पॉलिनियल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू माइनस सेवन है और सी की वैल्यू पी है सो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी सेवन और अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन है वन तो so, आप ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो वन प्लस टू इफ यू ऐड बोथ दिस इक्वेशंस टू अल्फा इज़ एट इट मीन्स अल्फा इज़ फोर alpha is 4. so therefore, beta is 7 minus alpha, means 7 minus 4 means 3. and then i can find out product of zeros. so product of zeros means alpha beta. that is c by a. and 12 is the value of p. none of these. d is the right option. 12 is the answer. p is 12. let us go to the next question, question number 23. इफ़ बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल पोनोमियल दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा तो द वैल्यू ऑफ के इज और ये रहे आपके चार ऑप्शंस तो देखिये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री के के एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री के इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए हमारे केस में जो आपको बी गिवन है दैट इज माइनस फोर अपॉन ए ए इज के सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ फोर बाय के एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकाल लीजिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज इज़ अल्फा बीटा दैट इज सी बाय ए तो बेसिकली अल्फा बीटा इज सी बाय ए मतलब थ्री के अपॉन के मीन्स थ्री नाउ फोर अपॉन के इज थ्री इट मीन्स के की वैल्यू इज फोर बाय थ्री तो डी इज द राइट ऑप्शन लेट अस स्टिक टू डी एंड इमीजिएटली रेस्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाटेटिक पॉलिटल इज नेटिव ऑफ द अदर देन वॉट शुड बी द कंडीशन Sum of zeros is zero here, means minus a is zero, means a is zero, and product of zeros, product of zeros is actually b. Now one is alpha, another is minus alpha, so b is minus alpha square. Means it is sure it is negative, so b is the right option. लेट एस स्टिक टू बड़े इमीजिएटली रेस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द पॉनोमियल सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज सो एंड सो दे द वैल्यू ऑफ पी सो देखिए जो गिवन पॉलिनियल है आपका दैट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी इसको हम स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल से कंपेयर कर देते हैं so my standard polynomial is ax square plus bx plus c so here a is 2 and b is 3 and c is p so i can calculate kar sum of zeros that is minus b by a means alpha plus beta is equal to minus थ्री बाय टू एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू पी बाय टू नाओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू का होल स्क्वेयर माइनस पी बाय टू तो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू नाइन बाय फोर माइनस पी बाय टू तो इसकी जो टोटल वैल्यू आपको गिवन है दैट इज ट्वेंटी फाइव बाई फोर और इसको हम शिफ्ट कर देंगे माइनस नाइन बाय फोर इज माइनस पी बाय टू तो विल टेक एल्शियम दैट इज सिक्सटीन बाई फोर मीन्स फोर इक्वल टू माइनस पी बाय टू तो पी की वैल्यू माइनस एट आ जाएगी तो माइनस एट इज द राइट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन तो बी को टिक कर दीजिए क्वाड्रेटिकॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाउ आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोम इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू और जीरोज आर एक्चुअली एक्स इंटरसेप्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज टू सो यू सी डी इज द ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इज टू इन थ्री देर इन डी देर आर थ्री जीरो सो इट इज नॉट अ ग्राफ ऑफ द क्वाटेटिक पॉलिनोमियल तो लेट इस नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवेंथयर है आपकी स्क्रीन पे इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ट जीरोज ऑफ द परिनोमियल इज़ टू दैन द थर्ड जीरो ऑफ़ दिस परीनोमियल इज़ तो देखिए आपको सिर्फ़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्यूबिक परिनोमियल का दैट इज़ थ्री एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्र प्लस फोर्टीन एक्स माइनस ट्वेल्व इसको आप स्टैंडर्ड परॉमियल से कंपेयर कर दीजिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से फिर इसमें आप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका फार्मूला होता है माइनस डी बाई ए तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी इज माइनस ट्वेल्व अपॉन थ्री वन जीरो इज टू टू टाइम्स ऑफ बीटा गामा इज इक्वल टू फोर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ द जीरोस मींस अल्फा बीटा इज टू गिवन टू अस बेसिकली माई गामा इज टू तो डी इज द राइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर डी को टिक कर दीजिए लेटस रस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट द नंबर ऑफ पॉलिम जीरोज माइनस थ्री एंड फाइव मोर देन फाइव डी इनफाइनाइट पॉलिनॉमल्स आर पॉसिबल नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन्थ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनियल हु जीरोज आर माइनस सेवन एंड माइनस एट इज तो देखिए ये रहे आपके ऑप्शन सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमें क्लियर होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हम इसमें जीरोस की वैल्यू रख देंगे माइनस सेवन माइनस एट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस माइनस सेवन इंटू माइनस एट This is x square plus 15x plus 56. So, b is the right option. b go ticker. And let us rush to the next question, 30th. In a graph, number of zeros of the polynomial is equal to number of points where the graph of the polynomial intersects the x axis. This is a conceptual question. Let us rush to the next question, 31. A polynomial of degree n has. एटमोस्ट एन zeros मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros sh shall बी एन इन नंबर्स जो डिग्री है polynomial की उतने maximum zeros पॉसिबल हैं 32 टू ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इफ पी ऑफ एक्स इज सो एंड सो देन माइनस बी बाई ए इज सम ऑफ जीरोज फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है माइनस बी बाई ए इज सम ऑफ जीरोज इफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड ए प्लस बी प्लस सी इज वन जीरो इज so dekhi p of x is equal to ax square plus bx plus c right to find zero we equate p of x with zero means ax square plus bx plus c is zero if x is 1 then a plus b plus c is zero this is a given condition therefore x is equal to 1 is a zero

bx plus b is 0 if you take x as minus 1 then a times of minus 1 square, square plus b times of minus 1 plus c is 0 that means b is equal to a plus c which is given which is given therefore 1 0 is minus 1 then I can find out product of zeros. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए वन जीरो इज नोन टू मी दैट इज माइनस वन टाइम्स ऑफ बीटा इज सी बाय ए सो अनदर जीरो इज माइनस सी बाय ए तो सी इज द राइट ऑप्शन माइनस सी बाय लेटेज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन नंबर थर्टी फिफ्थ इज दैट नंबर ऑफ जीरोज द गिवन ग्राफ ये आपका ग्राफ है और ये रहे आपके चार ऑप्शन जीरो वन टू देखिए जीरोज इज बेसिकली द पॉइंट इट विच द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट दिस इज जीरो हेयर सो बीज द राइट ऑप्शन नंबर ऑफ जीरोज इन द गि ग्राफ इज वन नंबर ऑफ जीरोज इज़ वन सो लेट इस रस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्र माइनस एम एक्स प्लस एन आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर देन द वैल्यू ऑफ एन इज़ और ये रहे आपके चार ऑप्शंस तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ज़ीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर तो जीरोज़ अल्फा और वन बाय अल्फा होंगे सो वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का आप फार्मूला लगा दीजिए दैट इज अल्फ़ा इन टू वन बाय अल्फा इज इक्वल टू तो एन बाय थ्री तो बेसिकली एन की वैल्यू थ्री आ जाएगी तो डी इज़ द तो राइट ऑप्शन डी को टिक कर दीजिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इफ वन जीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल इज टू प्लस रूट थ्री दैन राइट द अदर जीरो और ये रहा आपके चार ऑप्शन तो देखिए इसमें आप क्या है सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला लगा सकते हैं सम ऑफ जीरोज इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस बी बाई ए इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए आपको एक जीरो गिवन है टू प्लस रूट थ्री प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए तो इसकी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं टू प्लस रूट थ्री प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस फोर बाय वन साइड चेंज कर दीजिए बीटा इज फोर माइनस टू माइनस रूट थ्री तो टू माइनस रूट थ्री ए इज द राइट ऑप्शन टू माइनस रूट थ्री इज द आंसर सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इफ द सम ऑफ इट टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज आर सो एंड सो then the cubic polynomial is we have to find out the cubic polynomial so jo given n that is alpha plus beta plus gamma that is 2 alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha that is given to you as minus 7 and alpha beta gamma that is minus 14 so If cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d, then sum is actually equal to minus b by a, sum product is equal to c by a, and this is equal to minus d by a. If a is 1, then b is minus 2. C is minus 7 and D is 14. So, therefore, my answer is x cube minus 2x square minus 7x plus 14. So, x cube minus 2x square minus 7x. And this should be positive. Then, A is the correct answer. This should be. पॉजिटिव सो लेट अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इफ थ्री एंड वन बाई थ्री आर जीरोज ऑफ दिस परिनामियल देन वॉट अबाउट पी एंड आर तो देखिए इसमें आप सबसे पहले कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला है दैट इज अल्फा बीटा इज सी बाय ए तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए य रूट्स आर थ्री इन टू वन बाई थ्री दैट इज आर बाय पी तो बेसिकली आर इज इक्वल टू पी एंड सम ऑफ रूट्स तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए तो अल्फा प्लस बीटा थ्री प्लस वन बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस टेन अपॉन पी तो आप एलसीएम ले लीजिए टेन बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस टेन बाय पी तो P की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री दिस शुड बी इक्वल टू R तो P इज इक्वल टू माइनस थ्री आर इज इक्वल टू माइनस थ्री डी इज द राइट ऑप्शन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नंबर फोर्टी द जीरोज ऑफ द पोलॉमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर देन P इज ये रहे आपके ऑप्शन सम ऑफ जीरो माइनस बी बाय ए दे आर नेगेटिव ऑफ फीचर मतलब अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी माइनस फोर अपॉन ए की वैल्यू माइनस फिफ्टीन तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी विल भी इक्वल टू फोर तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन डी को टिक कर दीजिए लेट एस अरस्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन द जीरोज ऑफ द पॉनोमियल आर टू फाइंड जीरोज टू फाइंड जीरोज वीट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज जीरो it means x square is 5 it means x is plus minus root 5 x is plus minus root 5 so none of the correct option root zeros are plus minus root 5 next question if the graph of the polynomial intersect the x axis at exactly two points then can be quadratic polynomial or it can be cubic polynomial as well the important concept because it is exactly any graph which intersect exactly at two points can be quadratic or cubic also because for cubic polynomial maximum number of zeros are 3 but it's not there that it is always 3 so d is the right answer the given polynomial this is a biquadratic polynomial conceptual question you should know it it is a biquadratic polynomial because here you are having a term with x to the power 4

तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू आपको गिवन है अल्फा बीटा दैट इज सी बाय ए मतलब 45। नाउ नाउ एज पर क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 45। तो so, आप इसका एक्सपेंड कर दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव Then add 4 alpha beta on both sides. Alpha square plus beta square minus 2 alpha beta plus 4 alpha beta is equal to 45 plus 4 alpha beta. So, alpha plus beta ka whole square is equal to 45 plus 4 times of alpha beta. And alpha beta is 45. So, 4 into 45. बेसिकली अल्फा प्लस बीटा इज प्लस माइनस रूट टू ट्वेंटी फाइव एंड अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू यस माइनस ए सो इट इज प्लस माइनस फिफ्टीन तो ए की वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा सी सी इज द राइट ऑप्शन प्लस माइनस फिफ्टीन लेट इस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाटेटिक पोनोमियल और ये रहे आपके ऑप्शन सो टू फाइंड जीरोज टू फाइंड जीरोज बी इक्वेट गिवन पोनॉमियल 4 root 2x square plus 6x minus 2 root 2 with 0. So let us apply a quadratic formula that is minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. So this is minus 6 plus minus b square means 6 square minus 4a is 4 root 2 and c is minus 2 root 2 whole upon 2a and a is 2 times of 4 root 2. सो माई आंसर इज माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट ओवर थर्टी सिक्स प्लस फोर इंटू फोर सिक्सटीन टू ज थर्टी टू टू 64 सिक्सटी फोर अपॉन एट रूट टू सो दिस इज माइनस सिक्स प्लस माइनस टेन अपॉन एट रूट टू तो विल टेक बोथ द ऑप्शन तो एक्स की एक वैल्यू हो सकती है माइनस सिक्स प्लस टेन बाई एट रूट टू या फिर माइनस सिक्स माइनस टेन बाई एट रूट टू हम इसको सॉल्व करते हैं तो so फोर तो वन बाय टू रूट टू वन बाय टू रूट टू इन दिस कंडीशन माइनस सिक्सटीन माइनस टू बाय रूट टू फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए रूट टू बाय फोर कौन इसको भी आप रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस रूट टू रीज आर द टू ऑप्शंस रूट टू बाय फोर एंड माइनस रूट टू तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन लेट इस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दट रूट्स ऑफ द क्वाटिक पोनोमियल आर इन द रेशियो थ्री इज टू टू सो बेसिकली आपको रूट्स का रेशियो किवन है तो लेट द रूट्स बी लेट द रूट्स बी थ्री जेड एंड टू जेड सो थ्री जेड प्लस टू जेड मीन्स सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है माइनस ऑफ माइनस पी बाय ट्वेल्व तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए पी आ जाएगा आपका सिक्सटी जेड फिर आप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज थ्री जेड इंटू टू जेड इज इक्वल टू एट ट्वेल्व इट मीन्स सिक्स जेड इज इक्वल टू टू बाय थ्री सिक्स जेड स्क्वायर तो z की जो वैल्यू है दैट इज वन बाय नाइन का रूट मीन्स वन बाय थ्री तो बेसिकली आपका p आ जाएगा सिक्सटी इंटू वन बाय थ्री दैट इज ट्वेंटी ट्वेंट इज द राइट ऑप्शन बी को टिक कर दीजिए आप क्वेश्चन क्वेश्चन नब्बी सेवन इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और ये रहे आपके ऑप्शन तो आप इसमें सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस बी बाय ए सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस फाइव एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा दैट इज सी बाय ए दैट इज माइनस टू बाय वन माइनस टू अब हमें कैलकुलेट करना है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इसका फार्मूला हमें पता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए माइनस फाइव का क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा दैट इज माइनस टू इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज माइनस फाइव तो ये हो जाएगा माइनस वन ट्वेंटी फाइव और माइनस थर्टी दैट इज़ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दैट इज़ माइनस वन फिफ्टी फाइव तो सी इज़ द राइट ऑप्शन सी को टिक कर दीजिए अस रस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये आपके ऑप्शन है तो so, देखिए आपको जब जीरोज़ कैलकुलेट करने तो आप बेसिकली पी ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट कर दीजिए मीन्स फाइव एक्स स्क्वायेर माइनस टू रूट टेन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसके स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर सकते हैं सो नंबर्स आर बेसिकली नंबर्स आर माइनस रूट टेन एंड माइनस रूट टेन तो इसको आप स्प्लिट कर दीजिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में माइनस रूट टेन एक्स माइनस रूट टेन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं रूट फाइव एक्स तो आपका आंसर आ जाएगा रूट फाइव एक्स माइनस रूट टू और माइनस रूट टू आप कॉमन ले लीजिए तो इसका ऑप्शन आ जाएगा रूट टू फाइव एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो फिर रूट टू फाइव एक्स माइनस रूट टू आप कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा रूट फाइव एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो सो बेसिकली आपका एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज रूट ओवर टू बाई फाइव मीन्स रूट ओवर पॉइंट फोर तो ए इज द राइट ऑप्शन इक्वल रूट्स हैं इसमें लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी नाइन फाइंड द क्वाड्रेटिक क्वाटेटिक वालीनोमिलूरोज आर गिवन टू यू ये रहे आपके ऑप्शन आपको जीरोज गिवन है तो आपको फार्मूला पता है एक्स स्क् माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायेर माइनस सम ऑफ जीरोस रूट थ्री प्लस टू प्लस रूट थ्री माइनस टू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रूट थ्री प्लस टू इन टू रूट थ्री माइनस टू तो एक्स स्क्वायर आप इसमें से कैंसिल आउट कर दीजिए माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस फोर तो ये आप लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स माइनस वन तो एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स माइनस वन बी इज द राइट ऑप्शन बी को टिक कर दीजिए Let us rush to the next question. Question number 50. In a quadratic polynomial which intersect x at only one point, then it signifies or here I have options. Real and distinct roots, real and equal roots, non real roots, no zeros. Real and equal roots, it basically means that if any of your quadratic polynomial touches the x axis at only one point, then it means it is equal roots. And equal because it is defined, so we will say it is real root so b is the right option it is a conceptual question i hope all of you have liked this video if you have liked this video kindly like share and subscribe it thank you